दिल्ली के 22 वर्षीय लड़की के साथ 25 लोगों ने किया गैंगरेप। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना हमें दिल्ली से देखने को मिली है, जहां पर पलवल के जंगली इलाकों में एक लड़की के साथ गैंगरेप की जाती है। आपको बता दें, हैरानी वाली बात इसमें ये है, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 25 लोग द्वारा इसमें गैंगरेप किया जाता है और पूरा हवस का शिकार उसे रात से लेकर सुबह तक बनाया जाता है। जब लड़की होश संभालती है तो उसे 9 दिन लग जाते हैं। पूरा मामला इस प्रकार अंजाम दिया गया। फेसबुक पर युवती की दोस्ती होती है 23 वर्षीय सागर के साथ में। दोस्ती के दौरान उन दोनों में अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। बॉन्डिंग के चलते उन दोनों आपस में एक दूसरे को नंबर देते हैं। नंबर देने के बाद घंटों तक उनकी बातें चलती है। बातों के बीच में लड़का जो है उसे प्रपोजल देता है शादी का। जब लड़की एक्सेप्ट करके ये कहती है कि हाँ मैं आऊँगी, तो लड़का जो है उसे हेडल गाँव में बुलाता है, जहाँ पर उसे ले जाने के बाद युवती अकेले रहती है। वहाँ पर उसे 25 लोगों द्वारा एक एक बारी कर रेप किया जाता है। रेप करने के बाद अगली सुबह उसे स्क्रैप डीलर के पास ले जाया जाता है, वहाँ पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। लगातार रेप के बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद 12 मई को वो हसनपुर थाने पहुँचती है और सागर समेत 24 अन्य लोगों के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि घटना के बाद वो बिस्तर पर थी, उसकी शारीरिक और मानसिक हालत ऐसी नहीं थी, जिसके बाद शुक्रवार को सागर को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ जारी है। लेकिन दिल्ली में अब ऐसी घटनाएँ जो है देखने को मिल रही है, अब इस पे देखते हैं पुलिस द्वारा किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और ऐसे हैवान पर किस तरीके की सजा होनी चाहिए। आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में। लेकिन दिल्ली में इस तरीके की हैवानियत जो है शर्मसार कर देती है कि दिल्ली के एक 22 वर्षीय युवती के साथ 25 लोगों ने रात से लेकर सुबह तक रेप किया। अब देखते हैं ऐसे आरोपी पर क्या सजा होती है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।